बोट बेसे 220 का कंपेयर करेंगे रियलमी बड्स 2 में, देखते हैं कौन पबजी के लिए या म्यूजिक के लिए या अदर फ्यूचर्स के लिए अच्छा होता है, आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, कौन आपके बजट के हिसाब से फिक्स होगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। हे गाइस, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल नीतीश। चलिए शुरू करते हैं बोट बेसे 220 के बारे में। इसके प्राइस की बात करें तो आपको 549 रुपया में ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल मिल जाएगा। इसका रेटिंग की बात करें तो 4.3 का रेटिंग है, बेस सेलर का टैग आपको देखने को इसमें मिल जाता है। अगर यहीं जैक की बात करें तो 3.5 mm के जैक के साथ एल शेप जैक मिलता है और इसमें आपको गोल्डन कलर का जैक देखने को मिल जाता है। ड्राइवर्स मतलब कि इसके केबल की बात करें तो आपको फ्लैट केबल देखने को मिलता है और 10 mm का ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है। बेस्ट क्वालिटी आपको केबल में मिल जाएगा। और ईयरबड्स की बात करें तो आपको एक्स्ट्रा बास इसमें देखने को मिल जाता है, यानी कि अच्छा खासा म्यूजिक चल जाएगा। और पबजी के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। और 1 ईयर की वारंटी भी इसमें देखने को मिलता है। वाटर रेसिस्टेंट इसमें नहीं है, आप पानी में भीगेंगे तो ये ख़राब होने का चांसेस रहेगा। तो इसका बात हो गया, आप कंपेयर इसी को करते हैं रियलमी बड्स से। रियलमी बड्स 2 ये आसानी से आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इसका रेटिंग की बात करें तो आपको 4.3 का रेटिंग मिलता है और बेस सेलर का टैग भी इसमें भी देखने को आपको मिल जाता है। बात करते हैं ईयरफोन की तो आपको 3.5 mm के जैक के साथ एल शेप जैक इसमें नहीं मिलता, गोल्डन कलर का जैक आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसके केबल की बात करें तो 10 mm ड्राइवर्स के साथ आपको केबल काफ़ी अच्छा क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। और इसके वारंटी की बात करें तो आपको 6 मंथ का ही वारंटी मिल जाता है। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी मस्त है और इसका जो बेस है वो भी अच्छा खासा है, अच्छा है। और इसमें एक्स्ट्रा बेस भी आप सुन सकते हैं, HD अल्ट्रा साउंड भी आप, अल्ट्रा नहीं, HD साउंड, फुल HD साउंड सुन सकते हैं। तो चलिए इसका दोनों का कंपेयर का रिजल्ट जानते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ये दोनों फोन्स के, सॉरी ईयरफोन्स के पबजी के बारे में। तो पबजी आपको पहले बात करते हैं बोट के। बोट में आपको अच्छा मतलब एनिमी किधर से आ रहा है वो सारा कुछ गेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लेफ्ट से आता है तो लेफ्ट का, राइट से आता है तो राइट का, यानी कि दोनों साइड का आपको देख जाएगा। फुट स्टेप किधर से आ रहा है वो सारा कुछ दिखेगा, फायरिंग किधर से हो रहा है सारा कुछ आपको दिखेगा। वहीं अगर बात करें रियलमी बड्स 2 का तो मैं खुद यूज करता हूँ, उसका भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहता है। थोड़ा बहुत कमियाँ हैं बोट से इसमें, लेकिन अच्छा खासा रहता है। तो म्यूजिक के लिए दोनों और पबजी के लिए भी दोनों मैं एडवाइस करूंगा आप ले सकते हैं। बेटर रहेगा अगर प्राइस के हिसाब से आप ले तो बोट का ले, क्योंकि इससे 50 रुपया अधिक है इसका रियलमी बड्स 2 का। तो मैं चाहूंगा आप ये ले प्राइस के हिसाब से। अगर प्राइस के हिसाब से, अगर कंपेयर के हिसाब से लेते हैं तो फिर भी यही अच्छा है रियलमी का बड्स 2। थोड़ा पबजी के मामले में डाउन है, लेकिन म्यूजिक के मामले में दोनों सेम ही हैं, तो आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। देखिए, मैं बताया कि पर्सनली मैं रियलमी बड्स 2 यूज करता हूँ, क्योंकि उस समय मैं इसके बारे में, चाहे कोई भी ईयरफोन के बारे में, कुछ नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जाना तो मालूम चला, इसका यूज किया, लेकिन इसका कोई भी क्वालिटी आपको ख़राब नहीं देखने को मिला। अभी मैं 6 मंथ से यूज कर रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को फेयर करने के लिए नहीं मिला है। और आप चाहे तो ले सकते हैं, मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ तो आप भी यूज करें। आपको जो प्राइस में अच्छा लगे वो यूज कीजिए, क्वालिटी की बात तो हमने कर दिया। तो यही छोटा सा वीडियो आपके लिए था। अगर पसंद आया वीडियो तो यार लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी प्रकार के हेल्प के लिए वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और कमेंट अच्छा सा कर देना, टॉपिक कौन सा नेक्स्ट लाओ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ला दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गैजेट वगैरह ऐप वगैरह से जुड़ा हुआ कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं कमेंट में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।